हेलो एवरीवन सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन असेसमेंट के बारे में बात करेंगे कॉग्निजेंट की तो देखो कॉग्निजेंट का जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है उसमें एक्चुअली में काफ़ी सारे बच्चों को जब ये टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसका रीज़न ही ये है कि काफ़ी सारे बच्चे क्या ध्यान नहीं देते हैं डोज डॉन्स पे एंड साथ साथ में जो मैंडेटरी प्री रिक्विजिट होती है उस पर तो एक बार हम गो थ्रू करते हैं इस मेल को अच्छे से और अगर कुछ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं आपको उसके लिए हाईलाइट कर दूंगा कि वो आपको मैंडेटरी करना ही है और आपको इश्यूज से आगे बचने के लिए वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिक्सटी मिनट्स का असेसमेंट है अगर आपको इसका एग्जैक्ट पैटर्न चाहिए कि आपको क्या पैटर्न देखने को इसमें मिल सकता है कैसे क्वेश्चन होंगे तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूँ उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में सो so, उस वीडियो को आप यूज करना उसको आप यूज कर सकते हो एज अ प्रिपरेशन

जो प्री रिक्विजिट है वो आपको कंप्लीट करना है सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है वो ये है कि आपको सबसे पहले मैंडेटरी ऑडियो चेक यहां पर क्या लिखा है मैंडेटरी मैंडेटरी का मतलब क्या है आपको करना ही पड़ेगा कंप्लीट द मैंडेटरी ऑडियो क्वालिटी चेक टू एंश्योर द ऑडियो क्वालिटी ऑफ योर डिवाइस एंड फेमुलराइज विद द टेस्ट एनवायरमेंट इससे दो चीजें आपको पता पड़ जाएंगी टेस्ट एनवायरमेंट कैसा है साथ साथ में आपकी डिवाइस की ऑडियो क्वालिटी कैसी है वो दोनों और दूसरी बात आप जो भी माइक या हेडफोन यूज करने वाले हो प्लीज आप उसी को यूज करना जब आप इसका जो क्वालिटी चेक है इसको जब आप परफॉर्म करोगे जब आप इस लिंक को ओपन करोगे तो आप अपना जो भी हेडफोन माइक जो भी आप ईयरफोन यूज करोगे आप उसी को यूज करोगे इसको परफॉर्म करते मैं ठीक है दूसरा पॉइंट है चेक आउट दिस लिंक टू अंडरस्टैंड द एक्सक्लूसिव डूज डॉन्स फॉर द ऑडियो क्वालिटी चेक एंड एक्चुअल असेसमेंट तो एक बार इसको भी गो थ्रू कर लेना यहाँ पर आपको एक पी प्रोवाइड कराई जाएगी जब आप इस पर क्लिक करोगे ना इस लिंक पे तो उसको भी एक बार चेक कर लेना ठीक है उसके बाद है इंस्टॉल एम एस बी एंड टेस्टेड वेल इन द एडवांस फॉर शेड्यूल असेसमेंट देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ये जो पॉइंट है ना इसके चक्कर में बहुत लोगों का असेसमेंट रुक जाता है आपको सबसे पहले आज ही ये काम करना है कि आपको एमएसबी को इंस्टॉल कर लेना है ठीक है ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है अदरवाइज असेसमेंट में इश्यूज आ सकते हैं ठीक है थीके? दूसरी बात जब आप एमएसबी को इंस्टॉल करते हो तो बहुत सारे जो आपके सॉफ्टवेयर हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं लाइक like, अगर आपने ओबीएस इंस्टॉल कर रखा है या कोई वर्चुअल कैमरा आपने इंस्टॉल कर रखा है सो so असेसमेंट में ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं सो यू नीड टू इंस्टॉल ऑल दीज थिंग्स ओके सो इंस्टॉल एम एस बी एंड टेस्टेड वेल इन द एडवांस टू शेड्यूल असेसमेंट डेट फॉर अवॉइड एनी कॉम्पनी एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ असेसमेंट रेफर टू द इंस्टॉलेशन गाइड यहां पर इंस्टॉलेशन गाइड दिया है एक बार इसको गो थ्रू कर

जिस इंटरनेट में आपके यहाँ सबसे ज्यादा कम पिंग आती हो अगर आप ब्रॉडबैंड को यूज कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ब्रॉडबैंड में 20 से 40 के बीच में पिंग आती है अगर आपकी पिंग 200 से ऊपर जा रही है तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको ऑडियो नहीं सुनाई देगी सो मेक श्योर कि आपकी जो डाउनलोड स्पीड है वो एटलीस्ट 20 से 30 एमबीपीएस तो हो ज्यादा नहीं होती है बीस तीस एमबीपीएस से आपका काम चल जाएगा बाकी स्पीड टेस्ट पर चेक कर लेना और आपकी जो पिंग है वो दो से ऊपर नहीं होनी चाहिए ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वरना फिर क्या होता है कि जब टेस्ट होता है काफी बच्चे बोलते हैं कि हमें साउंड नहीं आ रही थी और साउंड ना आने का रीजन पता है क्या होता है ये हाई पिंग होता है पिंग जो होती है ना वो हाई होती है काफी बच्चों के नेट की और पिंग हाई का मतलब क्या है कि आपका जो नेट है वो अनस्टेबल है बार बार ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है 200 से ऊपर अगर आपकी पिंग हाई है तो आपको ऑडियो के संबंध में इश्यूज हो सकते हैं तो मेक श्योर sure के स्टेबल पिंग आपके नेट में आ रही हो नीचे का पॉइंट पढ़ो बहुत इंपॉर्टेंट है रिकमेंडेड टू यूजिंग यूएसबी कनेक्टर विद अ माउंटेड माइक और अ गुड क्वालिटी इन लाइन ये ये बोल रहे हैं या तो आप वायर्ड माइक को यूज करो या फिर आपका जो लैपटॉप का इनबिल्ट माइक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए ठीक है ब्लूटूथ वगैरह रिकमेंड नहीं किया जाता है और ये आपको इशू भी कर सकता है टेस्ट में ठीक है तो, जितना ज्यादा हो सके ब्लूटूथ वगैरह आपके ईयरफोन्स वगैरह को आपको क्या करना है आ, आपको अवॉइड करना है ओके देन बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए प्लीज परफॉर्म द ऑडियो क्वालिटी चेक ये मैंने सब आपको बता दिया सिस्टम कंपेटेबिलिटी चेक दूसरी बात यहां पर लिखा है टेक असेसमेंट इन द क्वाइट नोज फ्री एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर नॉइज डिटेक्ट होती है आपके असेसमेंट में अगर आपके असेसमेंट में नॉइस आती है तो ये एक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है पीछे बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए नॉइस नहीं आनी चाहिए ठीक है एंशर टू हैव द कंसिस्टेंट एंड अन इंटरप्टेड हाई स्पीड नेट कनेक्टिविटी ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्योंकि ऑडियो हमेशा केवल एक बार प्ले होगी और अगर उसी टाइम पे आपकी पिंग बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है तो आपको ऑडियो नहीं सुनाई देगी ठीक है उसके बाद स्टार्ट टेस्ट आपको तभी करनी है जब आपका जो टेस्ट विंडो है आपको उसी आप क्लिक so uh, नहीं करना है ये आप तभी क्लिक करोगे जब आपका टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा सेक्शंस आपको देखने को मिलेगा जनरली छह सेक्शंस होते हैं ठीक है ओनली वन अटेम्प्ट अवेलेबल ठीक है कंप्लीट ईच सेक्शन और यहां पर आप डूस देख सकते हो टेक द असेसमेंट इन द क्वाइट वेल पेस इनवायरमेंट स्पीक लाउडली क्लियरली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है धीरे नहीं बोलना है ठीक है नॉर्मल वॉइस में जैसे आप बात करते हो जैसे अभी आपको मेरी वॉइस आ रही होगी क्लियर आ रही होगी और नॉर्मल आ रही होगी ठीक है ऐसे आपको बोलना है प्लीज द माइक टू थ्री इंचेस अवे फ्रॉम द साइड ऑफ द माउथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका रीजन क्या है काफी बच्चे अगर आप ये मुंह के बिल्कुल पास में इसको ऐसे कर दोगे ना माइक को तो मुंह से जो आपकी हवा निकलती है ना उसकी फुसपुट प्रोसेस आती है और फिर जब ये ए डिटेक्ट करती है ना तो जो आप वर्ड्स बोल रहे हो ना वो सुनाई नहीं देंगे एआई को तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपके मुंह से अगर हवा आ रही है ना उसमें तो वो ऐसे फुसफुस प्रोसेस हो जाएगी ठीक है तो ये बात को ध्यान से समझ लेना कंडक्ट असेसमेंट फेयरली प्लीज नॉट फॉर टॉगलिंग ठीक है टॉगलिंग नहीं करनी है अगर कोई मेल प्रैक्टिस होती है तो आप यहां पर मेल दिया है टेस्ट एडजस्ट इंडोर लाइटिंग कैमरा देखो, कैमरा देखो के लोकेशन विद एथी बैकग्राउंड बैकग्राउंड नॉइस नहीं होनी चाहिए ठीक है थर्ड पर्सन को टेस्ट नहीं देना चाहिए यूज द कंप्यूटर माइक और हेडफोन माइक वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन ठीक है uh, क्या लिखा है कि हेडफोन माइक को आपको टच नहीं करना है या कंप्यूटर माइक को टच नहीं करना क्योंकि उसमें ऊपर नीचे फिर हो जाता है माइक पोजीशन चेंज नहीं करनी है ठीक है मतलब बार बार आप हिला रहे हो माइक को ऐसा नहीं करना है आपको क्लिक F5 और ट्राई टू रिफ्रेश द दे स्क्रीन देखो अगर आप रिफ्रेश करोगे या दबाओगे तो आपका वहां पर असेसमेंट जनरली एंड हो जाता है सो भले ही कुछ भी हो रहा हो अटक रहा हो मत करना ठीक है उसके बाद प्रिंट स्क्रीन नहीं करना है आपको कवर द दम वेबकेम नहीं कवर करना और ए आई प्लेटफॉर्म को आपको यूज नहीं करना ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं और नीचे आपको यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट की यहाँ पर लिंक दी है जो आपका टेस्ट है वो टेंथ अक्टूबर को होने वाला है कल होने वाला है और यहाँ पर टाइम दिए टू पी एम ठीक है सो so आपको दो पी एम पे आपको आपका टेस्ट अटेम्प्ट करना है सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी सारी चीजें समझ में आई होगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग